प्रयागराज में हुए उमेशपाल हत्याकांड में अतीक की पत्नी शाइस्ता को लेकर पुलिस की गिरफ्त में आए उसके नौकरों ने बड़े खुलासे किए हैं, जिसपे शाइस्ता इस पूरे प्लान को अपने मुताबिक बना रही थी। वह वीडियो कॉल के थ्रू मीटिंग्स लेती थी और हत्याकांड से ठीक पहले उसने शूटर्स को खास मैसेज भी दिया था। अपने इस मैसेज में शाइस्ता ने शूटरों से कहा था, इंशाल्लाह उमेश को मारकर हमें कामयाब होना है, यह हक की लड़ाई है जिसे जीतना ही होगा, जो जीतेगा वही जी सकेगा। अतीक अहमद के नौकर कैश अहमद और राकेश लाला ने और भी कई खुलासे किए हैं। उसने बताया कि जेल में बंद अतीक और अशरफ ग्रुप वीडियो कॉल पर जुड़ते थे, सभी उमेश पाल की रेकी से लेकर उसे गोली मारने और भागने के तरीके पर भी अपनी बात रखते थे। नौकरों के मुताबिक शाइस्ता हर मीटिंग में हिस्सा लेती थी, वह बार बार कहती कि उमेश पाल को मारकर अपनी इज्जत वापस लानी है, हमारा नाम गूंजना चाहिए, उसे मारकर कामयाब होना है और इंशाल्लाह ऐसा होगा। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने शाइस्ता को भी आरोपी बनाया है। हाल ही में अतीक के शूटरों के साथ उनका एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था, इसके बाद से ही पुलिस उनकी तलाश कर रही है।